हाय, कैसे हैं आप सब? तो यार अभी मैं अपना ना बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहा हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी प्रोसीजर बताऊँ साथ साथ कि किस तरह आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो किस तरह आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और अभी मैं घर से निकला हूँ तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ मज़ीद। तो मैं बस स्टॉप पे आ चुका हूँ, यहाँ से मैंने बस लेनी है और गूगल मैप के ऊपर मैंने चेक किया कि बस कितने टाइम में आ रही है और कहाँ से कहाँ तक कौन से नंबर वाली बस मुझे लेकर जाएगी, तो वहाँ पे सारा मेंशन था। अपनी बस 2 मिनट में आने वाली है और मैं बस का वेट कर। तो गाइस ये देखें बस आ चुकी है और अब मैं बस में बैठने लगा हूँ। ये मेरा कार्ड है, मैं कार्ड एंटर करूँगा। अभी बेसिकली दोपहर का टाइम है तो इसलिए बस जो है बिल्कुल खाली है। और ये देखें ये सामने सारे स्टॉप्स के नाम मेंशन है, जो सा स्टॉप आने वाला होता है तो उसका नाम डिस्प्ले हो जाता है। तो गाइस ये मेरा स्टॉप आ चुका है और बारिश हो रही है बहुत तेज़, धूप भी निकली है और आज ही मैं अपना अम्ब्रेला लाना भूल गया, बहुत हैवी बारिश हो रही है यार। ये देखें सब ने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ। तो यार ये एक मेट्रो बैंक आया, इधर भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है लेकिन मेरा प्लान है HSBC में अपना अकाउंट खुलवाने का। वो सामने ब्रांच है उसकी HSBC की, तो मैं रोड क्रॉस करूंगा और वहां पे जाऊंगा ब्रांच में। जैसे सिग्नल ग्रीन हुआ है तो रोड मैंने क्रॉस कर ली है, तो फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ बैंक में। तो गाइस बैंक की टाइमिंग जो है 4:30 तक है, तो अभी मैं टाइम से आ गया हूँ, अभी 2:30 हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी अंदर जाके अपना अकाउंट खुलवाते हैं। और रास्ते में मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लिया था इनकी वेबसाइट खोल कर। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ बारिश मैंने आपको दिखाई है और अभी इतनी हैवी किस्म की धूप निकली है, मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ। और उसके अलावा मैं बैंक गया था, उसका मैं अंदर वीडियो नहीं बना सका क्योंकि अलाउ नहीं होता अंदर वीडियो बनाना, तो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बेसिकली मैं HSBC बैंक में गया था और ये मेरी यूनिवर्सिटी मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड भी है। तो यहाँ पर अगर कोई भी जाएगा अकाउंट खुलवाने तो उसको सिर्फ अपनी कंट्री का पासपोर्ट और प्रूफ ऑफ एड्रेस दिखाना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में एक लेटर अप्लाई किया था जो कि है बैंक अकाउंट स्टेटस लेटर। वो आपकी यूनिवर्सिटी में भी, आप जिस यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको वो ऑनलाइन अप्लाई होता है और आपको मेल कर दी जाएगी, आपको लेटर रिसीव हो जाएगा और उस लेटर को आप बैंक में ले जाके शो करवाएंगे, जिस पे आपका एड्रेस, नाम और कोर्स के बारे में सारी डिटेल मेंशन होगी। तो गाइज अब मेरा बैंक अकाउंट तो ओपन हो चुका है लेकिन जो मेरा डेबिट कार्ड है वो 1 वीक के अंदर मेरे घर पर रिसीव हो जाएगा। और उससे पहले मैं बैंक में डिपॉजिट करवा सकता हूँ कैश, लेकिन निकलवाने के लिए मुझे डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 1 वीक बाद मेरे पास रिसीव हो जाएगा। तो गाइस मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँ कि जो लोग भी नए UK में आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपने काम ये करना है अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर ओपन करवाना, क्योंकि जहाँ कहीं भी आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन या फिर कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करते हैं, उनकी डिमांड होती है बैंक स्टेटमेंट। तो इसलिए आपने आपके साथ ही अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, सिर्फ एक पासपोर्ट चाहिए और प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने यूनिवर्सिटी से प्रूफ ऑफ एड्रेस ले सकते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।